सरकार भगा पूरी ताकत, जकड़ लो उसको, तेज जकड़ो उसको, कैद कर लेंगे उसको, जकड़ो जरा उसको। नहीं सरकार, झाड़ू मारता ना, जकड़ लो उसको और तेज से लगा रे, पूरी ताकत लगा, जोर से। अब पता कितनी देर ताकत सबको दो। और जोर से। हाँ। चल चल। आगे आगे बढ़ो, तो जकड़ो इधर साइड से, जकड़ो उसको और तेज से। पानी पकड़ के रखना, जकड़ो उसको और तेज से। चल कब मारने वाला था उसको? हाँ कब मारने वाला था? कौन बोले थे मारो? बोल के नाम मत बोल उसका, खाली जो पूछा मैं वो बोल। औरत थी वो आदमी था कौन? जकड़ लो उसको और तेज से, पेट में से भी आग लगेंगे, तेज से जकड़ो उसको। आगे लाओ, झगड़ो उसको, तेज ना लाओ उसको, बगैर बात करके गट करके निकलाओ, झगड़ो उसके पेट में से आग लगाओ। जकड़ो उसके पेट में से और तेज से, दो टुकड़े कर देंगे उसके, जकड़ो उसको और तेज से। काट दूं कह रहे, काटूं घोड़ा अलग मुंडी अलग करूं तेरी? हाँ खत्म कर दें पूरा, जकड़ो उसको और तेज से, पूरी ताकत लगा, जोर से और जोर से। बोल क्यों मारने वाला था बच्ची को? तू क्या तकलीफ दे रहा था फिर उसके अंदर? उसको नहीं रखना चाहता। क्या जोर से बोल, जोर से, क्या करना चाह रहा था? दुनिया में नहीं रखूंगा, मार के साथ मिली जाएगा। हाँ जोर से बोल, सब कुछ सुने आना। हाँ बोल, क्या काट दूंगा जल्दी बोल। क्या हाँ क्या क्या हाँ नहीं रखूंगा, कहाँ पे नहीं रखूंगा, क्यों नहीं, कहाँ ले जाने वाला था उसको? उसको मैं साथ ले जाऊंगा। अच्छा मार के जब जिंदा कब्रस्तान को मसनवा टेकू? कहाँ पर ले जाने वाला था? कहाँ पर? हाँ तू कहाँ से आया था? बंदो उसके हाथों को अच्छे से जकड़ लो। कहाँ से आया था तू? कब्रस्तान से, मसनवाटिया से, कहाँ से? मसनवाटिया से। अच्छा इसका क्या लिख देते जादू चलाते वक्त? कपड़ा, बाल, मट्टी, चप्पल? पानी में गिरी थी। अच्छा कहाँ गिरी थी पानी में उन्हें? कहाँ गिरी थी? जकड़ो उसको और तेज से, जकड़ लो उसको अंदर से, तेज से तोड़ दूंगा दोनों हाथा, तोड़ दूं। कहाँ गिरी थी उन्हें पानी में? बोलने तो दोनों हाथा तोड़ दूंगा अभी। नदी में? कब गिरी थी?
शाम के टाइम में। वो दुपट्टा बरोबर रखो ना जरा, दिमाग गुंग हो जा रहा है अंदर आके। हाँ कहाँ गिरी थी वो? नदी में गिरी थी। कितना टाइम हो रहा गिर के? हाँ कितना टाइम हो रहा? झगड़ो उसको कमीने को अंदर से तेजी से। हाँ बोल ना तो अभी मार दूंगा पूरा भसम। हाँ जल्दी बोल। दो एक महीने हो रहे। हाँ नदी में गिरी थी उन्हें? गिरी थी। अच्छा कैसा गिरी थी? हाँ खिलच गई थी खेत में। हाँ पंडू पेड़ के टेन में गई थी वो। कहीं को गई थी वहाँ पे? खेत में हमारे नदी है रास्ते में। हाँ तो खेत में जाने के लिए तैरने को खेत में जा रही थी तो नदी है रास्ते में, खुद ब खुद गिर गई थी। हाँ अरे तूने गिराया था उसको? हाँ हाँ उसका गिरी थी। हाँ मैंने नहीं गिराया। हाँ फिर तू क्या कर रहा था? मैं बैठा हुआ था। हाँ फिर वो देखिए मैं चल गया उसके पास। हाँ फिर उसको नहीं दूंगा मैं वहाँ पे, मेरे को नहीं अच्छी लगती वहाँ पे वो। क्यों तेरी उसकी क्या दुश्मनी है जी? नहीं बनाने दूंगा मैं वहाँ पे उसको। क्यों? अच्छी दिखती मेरे को। अच्छी दिखती अच्छी नहीं दिखती? क्या बोला सुने नहीं आ रहा मुझे, जोर से बोल। अच्छी दिखती नहीं अच्छी। अच्छा तेरे को पसंद है वो, तू साथ में ले जाने की सोच रहा? इससे पहले कितने लोगों को ले गया, इंसानों को? किसको भी नहीं। हाँ खून पीता क्या तू इसका? हाँ रात में आके परेशान करता उसको नींद में? क्या करता? तू मार के लिए जाने वाला उसको शादी करने? तुम्हारी कौन है? अच्छा इसका शोर कहाँ है? बाथरूम वाथरूम कहीं? जकड़ो उसको और तेजी से। बोल क्या करना तेरे साथ सुलूक? भसम कर देना कि इसकी शादी होगी। कितना टाइम हो रहा? दो सालों की शादी। बच्चे कितने उसके? एक लड़की है। और उसके बच्चे को भी कुछ कर रहा तू? नहीं उसके बच्चे कुछ नहीं कर रहा। उसके तो एक पास नहीं रख दूंगा उसको। नहीं अच्छी लगती मेरे को वहाँ पे हो। नहीं रख दूंगा उसको। तू मार देने वाला उसको? नहीं चल लूंगा उसको। कैसा ले जाने वाला? कैसा उसके चार लेके चल लूंगा। मौका देख के मारने वाला है। वारे और उसके मर्द को मारने वाला है? इसी तबीयत कब से खराब हो रही, कब से आ रही है? मैं दो महीने से ज्यादा तकलीफ कर रहा हूँ। पीछे के दिन में घर पे थे ना, हमने बाहर निकली तो दरवाजे लगा लिए, फांसी थी, फांसी लटक गई। जोर से बोलो। दोपहर के टाइम में क्या होगा, हम भी बाहर गए तो दरवाजे लगा दी, फांसी दुपट्टा बांध दिया अंदर को, फांसी भी लटक गई थी। सुसाइड कर रही थी, सुसाइड अटेम्प्ट कर रही थी। अरे सुसाइड कौन करने लगा रहा था उसको? मैं करूंगा उसको। हां उसने क्यों लेके गई थी उसने मेरे को पे? क्यों लेके गई थी? मैं नहीं बोला था उसको। क्या बोला था? नहीं लेके जाने का। हां इन्हें कौन लेके गई थी देखो? उसकी औरत। किसकी औरत? उसकी शकील की औरत। कौन है शकील? शकील। अच्छा तो ये शकील की औरत तेरे को पसंद है? इसका क्या नाम है? इसका समरीन। समरीन को ले जाने वाला है तू? और समरीन ने तेरे को क्यों लई और कैसा लई वहां से? मन माया दिख रहे तेरे तो। और क्या कर रहा था? तुम्हारे के लिए जाके शादी करने आता था उसके साथ में? उसको मैं किसका हूं दूंगा नहीं। हाँ मेरी रिश्ता। हाँ मेरी। इसके नहीं हो मेरी से। अच्छा कैसा बन के डाले अभी? ऐसा मार मार के पूरा खत्म करूंगा, वाक का राज चल रहा तेरे। अरे हाँ इंसानों की दुनिया में क्या कर रहा तू यहाँ पे कमबख्त? बोल उतारू देखो बाटल में कूदू जमीन में गाड़ दू उतार के? हाँ दारू शीशे में अंगूठी के नगीने में उतारू देखो गाड़ू जमीन में उतार के? क्या दू किसके भी हाथ में पहनने को उतार के? बोल बट फिर अंदर कयामत तक अंगूठी के नगीने में कहा नहीं जाने वाला था बस इसको मार के तू? कहाँ पर? मस्तन खाई के पास हम वहाँ फिरेंगे।
फिर शादी हुआ जी पहले बच्चे बच्चे है देखू पंखे की स्पीड थोड़ी सी बढ़ाओ और एक काम करो पानी के अंदर थोड़ा इलेक्ट्रोल पाउडर डाल के दो ना गर्मी बहुत हो रही हाँ बोल क्या करना सुनो तेरे साथ में बोल कमीने क्या मनमाने आई ऐसे क्या कोई लाए थे कुछ जादू टोने से ला के छोड़े बच्ची के आंग में सही से बोल हाँ कैसा क्या आया उन्हें जब बसू से नहीं थी क्या उन्हें तेरे पास आई थी तो गिर कैसा आया तू उसके पीछे गिर गई थी वो उसका गिरना मेरा नहीं कि चौहान मैं चल गया उसके पास मुझे पसंद नहीं तू कहीं हुआ था उन्हें गिरी थी तो उसके पास मैं कोई बैठे वाला नदी में गिरी थी उन्हें तो बचाया नहीं कहा था उसको वाह अरे वाह कमाल दिख रहा मेरे को उन्हें बच्ची नदी में गिरी करते हैं कभी ना बचाने को गया हम बचाने को जाते तो उसको पसंद आ गई करते हैं वाह अरे ये कौन सी गांव पर चल रही बाप का रथ चल रहा बस उलट टिलट कुछ भी हम नदी का बैठ के क्या कर रहा था तू क्यों क्या वहाँ खजाना है क्या गड़े वाला हीरे है खजाना है पायरा देते बैठता क्या नदी के पानी पे कोई तो चुरा के ले जा रहा रेती बोल के अरे हाँ क्या करता तोड़ दू क्या दोनों हाथा हाथा तोड़ के छोड़ गया बोल खैर जा बेटे पूरा जला के राख करता हूँ दूसरे चक्कर में लेता हूँ सही तरीके से इन्हें लग के आया या कहाँ से आया क्या दास्तान थी उन्हें तो ऐसा बता रहा है क्या क्या बोला उन्हें उसके मुंह से बोला मगर फिर भी उसका दूसरे तीसरे चक्कर तक पूरा सही तरीके से बोला चकड़ो उसको भी तेज से मारो तेज चकड़ के चकड़ो उसको मार तेरा उसको मारो तेज से ही इसका नाम पूछेंगे ना दूसरे चक्कर में पूछेंगे वो सब पूरी दास्तान डिटेल वो सब क्योंकि अभी उन्हें बोल रहा है ऐसा कि खुद लगा नदी पे से लगाए पंखे की थोड़ी स्पीड कम करो मगर वो क्या बोलते तो क्या दास्तान है और भी क्लियर तरीके से आ गई सामने मेरे को सब मालूम रहता मगर मेरे मुंह से नहीं बोलता ना मैं कभी उन्हें कुछ भी बोला क्या भी बोला तो क्या है जकड़ लो उसको भी और तेजी से मारो उनको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت الرحمن الرحيم اللهم اني احد اليك في هذه الحياه الدنيا اشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك اشهد ان محمدا عبدك ورسولك فعلى ذلك الله برحمتك فاجعل عندك خير التوفيق يوم القيامه انك لا تخلف ميعاد وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد والصحابي اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين جلا دير ان كنت تيجي جلا جلا ختم کرو جلا دو ان کو ذرا بھی چھوڑو مت ختم کر دو پورا इसको भी जंजीरा लाओ और इसको भी जकड़ के बन के डालो इसको भी ना लाओ इसको भागने मत दो इसको पूरा जला जला के खत्म कराओ इसको अमल के दौरान में उसको भी पानी पिलाओ उसको भी जलाओ जल्दी जल्दी खत्म करो उसको भी रफा दफा कर दो गिलास हटाते नहीं है जब तक पूरा नहीं निकलता उन्हें जब तक गिलास नहीं हटाने करता पूरा निकला देने करता गिलास नहीं हटाने करता जब तक निकलता नहीं उन्हें तो खत्म कर दो उसको पूरा मसम
इससे पहले हाजिर हुआ क्या इसके अंकल कभी? नहीं पता है, नहीं हाजिरी नहीं आई कहीं नहीं। प्रॉब्लम क्या होता था उसको? ये ऐसे ही घर पे आई के रहती नहीं थी, उसको फांसी बैठी नडे दबा थी उसके उसके और कोई घर में नहीं रहता ऐसे काम करके फांसी बैठी थी। और दो दिन रहने के बाद में बोलती मेरे को रहना ही नहीं आप जाने को। और कौन करता था नल्डी? कौन दबाता था उसकी? कौन दबाता था नल्डी? कौन दबाता था? फांसी कौन दे रहा था उसको घर में फंदा डाल के? हाँ कब मारने वाला था? अम्मास में पूनम में? अच्छा मर्जी में जब आ जाएगा जब मार देगा। खत्म करो उनको, उसको मारो, खूब मारो, जल्दी खत्म करो उसको, पीछे वाले को जल्दी तेजी से मार मार के। सरकार मर जा रहा भाई। हाँ भस्म कर दो उसको जल्दी तेजी से। ओ सरकार दूसरों को मारने आला कैसा जिंदा रहता, जल्दी भस्म कर दो उसको खत्म। बहुत मौके दिए थे उसको बच के भागने को, नहीं बचा उन्हें, खुद होके नहीं बच रहा था उन्हें। हाँ, नहीं बचा। तो अब उसको खत्म कर दो, खत्म कर दो उसको, शरीयत भी इजाजत देती मार देने की। अब तेको हम मार देते ना उससे पहले। छोड़े तो चले जाएंगा इज्जत से। हाँ क्या करेंगा उसको? मारेगा? हाँ फिर नहीं छोड़ते तो मारते रहो उसको, बंद के डाल दो। और इसको भी बंद डालो, इसको भी तेजी से बंद डालो, बहुत फंदे डाल के इसको सुसाइड करने लगा रहा हूँ उन्हें, आत्महत्या जकड़ के रखो कम बखत। क्या कर रहा था? सुसाइड करा रहा था। क्या हो रहा था? ऊपर टंगा पैर अपने गले को ये बात बांध दिया दुपट्टा, लटकने में तो हमने दरवाजा तोड़ के अंदर गए उसको बचाए। और अंदर से आदमी जैसे बात कर रहा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं कड़ी नहीं खोलूंगा, मैं इसको मार डालूंगा, मैं झाड़ को लेके जाऊंगा। फिर तुमने दुआ पानी करेंगे तो कहीं हाजिर हुआ? कुछ भी नहीं करे हमने, कहीं हाजिर नहीं, पहली बार यहाँ आया। तुम्हारे पास लेके डायरेक्ट आया हूँ, जकड़ के रखो, जकड़ो उसको और तेज़। लगा कितनी ताकत है तेरी? पूरी लगा उनको, बहुत बता रहा तेरी ताकत लगा के, जरा मेरे को बता, बता, हाँ बता। अब यहाँ पकड़ के मार रहे तो भैया याद आ रहा, अब अम्मा याद आ रही है ना, और वहाँ लोगों को उनकी अम्मा याद दिला रहा था ना, वहाँ पे घरों पे लोगों के फंदे डाल के फांसी देते। और चलो बन के डाल दो उसको। हाँ बंद डालो उसको, बंद डालो तेज जंजीरा डाल के, बंद के डाल दो उसको। नेक्स्ट नंबर को इधर से बुला के बढ़ाओ। हाँ बंद डालो उसको, ले जाओ पीछे नाला को और बंद के डाल दो। बहुत जाना ले रहा, देखेंगे कैसे जाना लेता क्या करता फिर मैदान में लेके उसको। चलो आओ, किसका नंबर है? आओ इधर बैठाओ जल्दी। जकड़ो उसको और तेजी से। तू निकल तक इतना आसानी से मार के निकालो उसको पूरा बाहर, जरा अंदर बाकी नहीं रखना उन्हें। मार रहा मेरे को कब से वो? हाँ और मारो उसको, अब तू लोगों को मार रहा था तो वो गया, अब हम ते को मार रहे तो पूरा बचाओ। अरे बहुत मारते देखो, बहुत मारते, तेरे दो चार टुकड़े करके फेंकते बाद में। कैसा हूँ बहुत इंसानों के बच्चों को मार के ले जा रहा रे। उसकी टांग तोड़ने लगेंगे, उसकी बहुत मस्ती चढ़ी उसको, जाके उसकी टांग तोड़ के आओ बोलना बाहर के खाने को, भेजो उसकी टांग गाड़ी पे तोड़ के आओ बोलना, गाड़ी पे गिराओ उसकी टांग तोड़ो नालायक की। फुल राइट से मेरे तरफ से जाओ नालायक, अगर किसी ने कुछ बोला कि उनके फौरी टांगा नहीं तो हाथा तोड़ दो उनके गिरा के बिंदास, जरा बताओ उनको क्या रहता मेरे बारे में बोलने वाले को। तो पूरा भस्म कर देंगे, देखा यहाँ कैसी ताकत है, तो देखा
इसको अल्लाह के कलाम की ताकत बोलते हैं। देखा क्या नहीं देखा? तौबा कर जल्दी, दादा की रैंक करके बता रहा बहुत लोगों के घरों में नाला कम बखत। ओ मैं बोल रहा हूँ चालू से ना क्या अमरतन ही नहीं कर रहे तुम्हारे लोग। वो तुम्हारे क्या बोलते तो मैं बोल रहा हूँ उसको नदी पे से पकड़ा था एक क्या बोल रहा उसमें देखो खैर उसको मार मार के उसके चार पांच टुकड़े बाद में करके फिर बहुत मस्ती चढ़ी थी अंदा डाल के कुछ घर में बच्ची को क्या सुसाइड कर रहा था उसके अब्बा बोल रहे थे वो सब। खैर अब जो भी है तो जंजरा डाल के बन के डाली है उसके बाद उठी इस वास्ते इबादत करना। मैं तुम्हारे लोग बार बार बोलता हूँ कि घर से बाहर निकलेंगे वक्त अगर तुम दुआ पढ़ के निकले घर से बाहर निकलने की दुआ जो भी है अगर तुम लोग क्या बोलते तो कैमरा लूट तुम अगर घर से दुआ पढ़ के निकलते थे ए कैमरा तुम पकड़ो घर से तुम अगर दुआ पढ़ के निकलते थे तो क्यों ये ऐसे आलमा होंगे तुम्हारे साथ में। अल्लाह ने इस वास्ते दुआ मुमिन के वास्ते हथियार रखा तुम्हारे गाने याद हो जाते पिक्चरा याद हो जाते तुम्हारे वो नई नए सीरियल की कहानियां स्टोरियां क्या क्या सब याद हो जा रहे XYZ सब लायानी फजूल की चीज़ ये हो ना तुम्हारा पिक्चर का गाना याद कर ना तुम्हारे दिन का फायदा है ना दुनिया का फायदा है उसको लायानी बोले अल्लाह सब तुम्हारा कर दे फजूल चीज़ है तुम्हारी हथियार दिया है मोमिन को दुआ हथियार दिया है तो तुमको सबसे ज्यादा से ज्यादा दुआएं याद करो घर से बाहर खाना खाने की सोने की उठने की हर चीज की बैतुल खला जाने की बाथरूम जाने की हर दुआ दिया इस वास्ते बोले अल्लाह की दुआ मोमिन के लिए हथियार है। अगर ये बच्ची घर से दुआ पढ़ के निकलती थी तो उन्हें नदी में गिरती भी थी तो फरिश्ते आते थे बचाने के वास्ते क्योंकि अल्लाह के जिम्मे पे अगर अपने आप को सौंप दिए तो फरिश्ते तुम्हारी क्या बोलते थे हिफाजत करता अल्लाह फरिश्तों के जरिए तुम्हारी हिफाजत करने लगा था ये अल्लाह के हुक्म का गुलाम जानदार भी अल्लाह के हुक्म के गुलाम और बेजान भी अल्लाह के हुक्म के गुलाम है। और अगर दुआ पढ़ के निकले तो ये शैताना लगने का तो सवाल ही पता नहीं होता फरिश्तों के जरिए तुम्हारी मदद कर रहा था। देखो आज तुम आपको मैं प्रैक्टिकल करके बताऊं पूरी दुनिया को ये सामने है मैंने तो मेरे मुंह से नहीं बोला नदी में गिरी मैंने तो मेरे मुंह से नहीं बोला और शैतान वहां जाके उसको पकड़ा शैतान खुद हाजिर होकर जो भी हो शयातीन वो शयातीन सामने आके बोल रहा हो कि नदी में गिरी थी मैं पकड़ा उन्होंने बोले दो महीने पहले गिरी थी बच्ची हो बाद में उन्होंने क्या बोल रहा खुद उसके मुंह से बोला फंदा डाल के मारने आला है ये मेरे मुंह से तो कुछ नहीं बोला पूरी दुनिया को प्रैक्टिकल बताया मैंने वो चीज़ बताया जो तुम्हारा अक्ल जहाँ से काम करना बंद कर देती वहाँ से ये सब चीज़ें चालू होते स्टार्ट। तो जब तुम्हारे को ये ऐसा हो सकता तो वो भी बोले आला है ना पहले हदीसों में कुरान में सब बता दिया अला कि दुआ पढ़ के निकलो आयते पढ़ के निकलो सूर्य पढ़ के निकलो दिन निकलते सूर्य यासीन एक बार पढ़ने का मामूल बनाओ सूरज डूबने के बाद एक बार पढ़ने का मामूल बनाओ तो तुम कैसा है हर बला से हर आफत से यहाँ तक कि शैतान शयातीन से भी महफूज रहेंगे और दुनिया के जालिमों से भी महफूज रहेंगे। तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी किसने लिया जो सबके सांसों की डोर जिसके हाथ में वो अल्लाह ने कोई ज्यादा फिर तुम्हारे रस्ते में आया मनमाना करा तो उसकी डोर भी खींच देता तुम्हें सब तुम्हारी हिफाजत की खातिर तो तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी जब लिया हमें तो तुम्हारे को ये सब चीज़ें याद करना जरूरी है ना गाना याद करके पिक्चरा में तीन तीन चार चार घंटे बर्बाद करके क्या हासिल हो रहा कुछ फायदा है दिन का है कि दुनिया के हैं गाने तो कुछ जल्दी याद हो तो फिर आयतें क्यों नहीं याद हो रहे कुरान के आयतें याद करो तुम्हारे दुआएं याद करो घर से निकलने की बाहर जाने की खाना खाने की बैठने की हर चीज़ की दुआ दुआ की किताब ला के रखो। अब ये दौर तो ऐसा चल रहा है कि मोबाइल के अंदर तुम्हारे को हर चीज़ हर ऐप्स है तो मोबाइल के अंदर वो भी कुरान भी सीख सकते और दुआएं भी सीख सकते हैं हदीस भी सीख सकते हैं हर चीज़ एक से ऐप्स निकाले लेकिन पढ़ो देखो खैर इतना ही बोलूँगा मैं ज़्यादा कुछ नहीं मिलूंगा और इसको बन के डाल दो नाला है कुछ जला के पूरा राख करने की तैयारी करेंगे देखो पानी ये भी मैंने पानी मारा पानी के पास में नदी का नजर आता इधर कैमरा मार पानी ये भी ऐसे पाँव खींचो उसको उधर
पानी एक ये भी है, नहीं मारा कितना घबरा रहा हूँ, पानी वो भी था नदी का, नदी के पानी में तो डुबकिया मार के लोगों को पता नहीं बुझा रहा हूँ मैं, जो भी था जिन्ना शैतान खबीस, और ये अल्लाह के कलाम के पानी की तासीर कैसी रहती, पानी मारते थे आग लग रही थी उसके अंदर, तो खुदा की कुदरत, जहाँ से तुम्हारे सब के अखला बंद हो जाते हैं वहाँ से दूसरी दुनिया के रास्ते चलूँ माशा के कुदरत के। चलो खैर, जो बताया वही वो प्रैक्टिकल मत देखो क्या बता रहा हूँ दुनिया पर, अल्लाह करो इबादत करो, इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो, ऐसा एक दूसरे पर जादू टोने भी मत करो, बहुत गलत बात है। चलो ठीक है, बाकी उसका अगले राउंड में लिए कौन डाला था, क्या दास्तान है पूरी पक्के तरीके से, अभी तो खाली बट ट्रेला बता दिया। चलो क्या नाम है उसका, समरिन। अरे समरिन, अरे समरिन, अरे अरे क्या होगा समरिन, हाँ ओपन लो उसके मुँह का, पानी दो सूखी नहीं है, पानी दो सूखी जल्दी करो ना, दिमाग नहीं चल रहा तुम्हारा, अंदर आने पर दिमाग नहीं चलते क्या, लोगों के देख के सब गुम हो जाते क्या, और कहाँ तुम्हारे कई की गाड़ी चलाते, तुम लोग कहाँ से आए थे, चलो अभी जाओ जरा उसको बाहर, अब क्या सामान जरा हम दुकान पर ला के पढ़ा के घर पर जाओ, घर पे अमल करो, जैसे अमल करिए और थोड़ा सा जल के खत्म होना चाहूंगा, अभी जया बोले भी तो नहीं गा था बोला क्या, पानी मारा मत डबल सकती उठने के बाद आती, इसका मतलब ये शैतान कहीं का लगे वाला नहीं है, ये लगाए वाला है, चालू है उगाए वाला है, चालू ये जो शैतान है तो ये कहीं से लगाए वाला, लगे वाली दास्तान नहीं, वो आगे सब कुछ होगा मेरे को सब मालूम था, मगर शैतानों की दुनिया जिन्नातों की दुनिया जो है ना, तो उनसे मनमानियां नहीं कर सकते, उनके ऊपर सारा कानून कायदा अल्लाह का चलता, अल्लाह के वलियों का निजाम है दुनिया पे, अल्लाह ने वलिया रखा, उसके बाद अब्दाल है, उसके बाद कुतुब है, कुतुब के बाद लास्ट में गौस बंदा अल्लाह का, तो ये दुनिया में मनमानिया करने नहीं देते शैतानों को जिन्नातों को, अगर ये नहीं रहेंगे तो दुनिया को तो ऐसा उधम बना देते थे, ऐसा कर देते थे शैताना कि खुलेआम आके मार के उठा के ले जाते थे, ये इनो है बोल के सब कंट्रोल चल रहा, मगर ये सारे रूल्स कहाँ से हटते उनको, उनको पाबंदियां कहाँ से मिलते, जब जादूगर उनको खींच के अपनी सिद्धि से किसी के आंग में छोड़ता या अमल करता वो बात अलग है, फिर वो उन्हें जा सकते, फिर उस हिसाब से उन्हें हमले कर सकते, बाकी डायरेक्ट अचानक हमला नहीं कर सकते उन्हें, क्यों नहीं कर सकते, वलियां हैं वलियों के बाद अब्दाला हैं अब्दालों के बाद कुतुब है, कुतुब के बाद अल्लाह का गौस बंदा है, सारी हुकूमत का जाल है अल्लाह का, उसके बाद कोई मनमानियां नहीं कर सकता, उनके कानून कायदे चलते दुनिया में, ये नालायक कहां से करेंगे, इनको पकड़ के लाके खुसूसन करने लगाते मनमानियां, समझ में आया ना, तो इसी दास्तान है वो, मैं जितना जानता ये सब बातों के बारे में मैं कैसा जाना, मेरे को अल्लाह ने सिखाते सिखाते सारी दास्तान खुद सीखी, वो मेरे पास में जो भी है अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्ट है, मैं बोलना नहीं चाहूंगा कोई सिखाए क्या सिखाए, मगर कोई मेरा उस्ताद नहीं है, पहली दास्तान है गॉड गिफ्ट जिसको बोलते हैं, गॉड गिफ्ट आ गया बाकी खत्म हो जाती है सारी, मगर मैंने जो देखा वो तुम लोग देख भी नहीं सकते। और एक बात मैं सब छोटे मोटे आमिलों से कहना चाहूंगा, लास्ट का अगर मेरा लेक्चर सुनते हो तो गौर से सुनो, अगर किसी के भी तुम इलाज कर रहे और इलाज करने के दौरान में कोई शैतान अगर हाजिर होगा किसी के आंग में कोई शय वगैरह या कुछ भी है, तो उसको कभी नहीं छेड़ना, छोटे मोटे इलाज वालों ने कभी नहीं छेड़ना, अगर तुम छेड़ो तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारे बीबी तुम्हारे फैमिली के मेम्बर महफूज नहीं रहेंगे, उन्होंने कहीं भी घेर के मार के हमला करते रहते, बदमाश रहते वो हमला करने के मामले में, हाँ तुम्हारे पास नेचुरली कुदरती फौज है तो फिर तुम्हारे कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारी को छावनी दिया ना अल्लाह ने, तुम्हारे पास इतनी फौज है तो फिर कोई हमला नहीं करता, और नहीं तो देखना है तो देख लो आजमा के, कोई भी शैतान को जरा सरका छेड़ो फिर कैसा उन्हें मारता घेर के वो भी देखो, ये सब खाली गाली दो ना उसको गाली दो, कहीं शैतान है तुमको अगर पता चल रहा है या जिन्ना देखो खंडर में तुम्हारे जाके खाली इसी गाली दो है, मैं भिन्नता नहीं मैं मानता नहीं, देखो फिर कैसा आता हूँ मैं हिंदू से पीछे तुम्हारे, ये सब मामूली मामूली बातें रहती है मगर पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं अगर लग गया करे तो, बहुत सारे दास्तान है, अब ये सबको नहीं आता हटाने को, कोई उसका उस्ताद नहीं होता, जहाँ अल्लाह बनाता वहाँ से निकलते, बाकी बहुत सारे दास्तान है। खैर इसलिए छोटे मोटे इलाज वालों से खास कर मैं ये बोलता हूँ, दुआ पानी दो तुम, अल्लाह कलाम सबको फैज है, मगर
जिन्ना शैतान चुड़ैल खबीस इनसे टक्कर नहीं लेना। तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं है, तुम्हारे पास कोई चीज सामने खड़े वाले है और बात कर रहे तो तुम टक्कर ले सकते हो, ऐसे टक्कर नहीं ले सकते। तुम्हारे डायरेक्ट फैमिली में हम ले सकते हो बाद में अच्छे से। चलो ठीक है, तुम पढ़ो तफसीरे रिवायत पढ़ो, जिन्नात क्या था शैतान क्या था, तुम अब समझते समझते सब समझते दास्तान पूरी तरीके से देखेंगे तो। चलो रोक दो।